सब विश्वनाथ है। हम इस समय मौजूद हैं रीवा महाराज उस्ताद सिंह जी के पास। 1993-94 से एक ऐसा विवाद जिसको लेकर काफ़ी संशय था राज परिवार के बारे में, उसका एक बड़ा अच्छा फैसला आया है। क्या है फैसला, इसके बारे में हम स्वयं जानेंगे महाराज से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डीजे कोर्ट से जो एक लंबे अंतराल से विवाद चल रहा था और हमारा केस चल रहा था, और उसके साथ साथ एक केस हमारा इलाहाबाद में भी चल रहा था जो इलाहाबाद के दोनों बेंचेस से अप्रूव हुआ और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबे था, वो प्रोबेट का है। ये जो केस था वो था जो एक ट्रस्ट बनाया गया था फर्जी, वो फर्जी ट्रस्ट जिसका नाम कथित गुलाब सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसके औचित्य पर और उसके सत्य पर बनाया गया था कि वो है या नहीं। माननीय लोअर कोर्ट इसके पहले बोल चुकी है कि ये फर्जी है, इसका रजिस्ट्रेशन सही नहीं है और इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन दिनांक 20 को, दिनांक 9 दिसंबर को हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी ये निश्चय हो गया कि ये फर्जी है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब हम डीजे कोर्ट से भी इस जजमेंट को लेके जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर निवेदन करेंगे अपने वकीलों से कि वो लगाएं वहाँ पर और उसको देखें और माननीय अदालत को कहें कि जब ये ट्रस्ट ही नहीं है तो जो पूरा यहाँ की ईंट वहाँ का रोड़ा कहीं ना कहीं से जोड़ा भानुपंती का जो पिटारा है, तो ना ईंट भी थी ना रोड़ा भी था, कुछ भी नहीं था, ये तो बिल्कुल बोगस था, तो वो पूरे तरीके से वहाँ भी समाप्त हो जाना चाहिए और यहाँ तो हो ही गया। यहाँ पर ये पैदा होता है जिस तरीके से आपने ये लड़ाई लड़ी, निचली अदालत से लेकर आपने हाई कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ी, क्या आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी सुप्रीम कोर्ट विचारित जाएगी, जबकि ये पूरी तरीके से एक तरह से साबित हो गया कि पूरा मामला फर्जी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट में चली रही है जो प्रोबेट की चल रही है, तो वो तो हम सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ पहुंची हैं इलाहाबाद में दोनों बेंचेस में जीतने के बाद भी। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो ये केस है जो डीजे की अदालत में हमको जहाँ रिलीफ मिली है, अब ये उनके ऊपर है, उनकी सद्बुद्धि या जो भी बुद्धि पर हो कि वो हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं या नहीं, जब फिर से एक बार शर्मनाक हार का सामना करना चाहते हैं या नहीं। तौर से कहना था अगर सामने वाले को इस मामले को लेकर सद्बुद्धि आ जाए, हमारी ही प्रॉपर्टी उसको पाने के लिए मुझे कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, अगर सामने वाला इस मामले को आगे बढ़ाता है तो हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक ये पूरी तरीके से साबित नहीं होता, हमारी जीत हमको वापस मिलनी ही चाहिए और मिलनी ही चाहिए। केस के दरमियान जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये 1993-94-95 से चला है, मानसिक प्रताड़ना हमारे ऊपर बहुत हुई है। किले को मैंने लगभग 70% पूरा अपनी रिस्क पर अपने पैसे लगाकर, जो पैसे हम कहीं और भी लगा सकते थे, कोई और उद्योग में डाल सकते थे, कोई और होटल में डाल सकते थे, कोई और इंडस्ट्री में डाल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उसको एक खंडहर को वापस ऐसी हालत में ला दिया कि वहाँ एक स्कूल संचालित है, एक अच्छा म्यूजियम संचालित है, 3-3 मेले होते हैं, दशहरा होता है और हम लोग सारा परिवार वहाँ पर रह रहे हैं सुख से। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत रही है, उसके पीछे कितनी मशक्क़त रही है, उसके पीछे कितनी परेशानी रही है, और आर्थिक और मानसिक, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बात बनेगी कि उसको भी हम ध्यान में रखेंगे और उसका भी कहीं ना कहीं जो अंत में कहा है कि द कॉस्ट ऑफ द सूट एंड अपील शैल बी बॉर्न बाय द एपलेंट डिफेंडेंट, काउंसिल्स फीस अलाउड एज पर शेड्यूल सर्टिफाइड बाय द काउंसिल्स ऑफ द पार्टीज, डिग्री शैल बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली, तो ये उसमें भी लिखा है। तो निश्चित रूप से हम लोग उस दिशा पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।